उमेद तहसील में मंगलवार की दोपहर में हुई झमाझम बारिश से नदी नाले और पुलिया उफान पर है। 8 लोगों को लेकर जारी स्कॉर्पियो बावनवारी नाला बनी पुलिया पार करते समय पानी के तेज बहाव में बह गई, जिससे इसमें सवार सभी लोग की डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में महिलाओं और बच्चों का भी समावेश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुलताई का परिवार सावने तहसील के नांदा से छत्रपुर की ओर स्कॉर्पियो गाड़ी क्रमांक MH31CP0299 से जा रहा था। गाड़ी में मुलताई निवासी मधुकर पाटिल का परिवार सवार था। नांदा में अपने समधी सुरेश ढोके के यहाँ आया हुआ था। यहाँ से वापस जाते समय बामनवारी नाला पुलिया पर से पानी बह रहा था। चालक ने पुलिया पार करने के लिए गाड़ी डाल दी। पुलिया के दोनों ओर सुरक्षा दीवार नहीं होने से पानी के तेज बहाव में गाड़ी बहकर नीचे गिर गई। देखते ही देखते गाड़ी सहित इसमें सवार लोग पानी में डूब गए। इस हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही उन्होंने कहा कि नागपुर जिले के नांदा गोमुख छत्रपुर के पुलिया पर से एक वाहन बाढ़ के पानी में गिरने से 6 लोगों की मौत होने की घटना काफी दुखदायी है। मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस परिवार के दुख में सहभागी हूं। लापता लोगों की तलाश करने में प्रशासन जुटा हुआ है। इसके अलावा NDRF की भी मदद ली जा रही है। नागपुर जिलाधिकारी के साथ लगातार मैं संपर्क में हूं। मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद तुरंत दी जाएगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपुर।